दोस्तों, नोएडा कंपटीशन की तीसरी और फाइनल रात, और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इस फाइनल में जो चार पार्टियां बची हैं वो सतपाल दोसा, पंडित रामोतार साहिबाबाद, मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला, मास्टर राम कुमार शर्मा महनवा। और देखिए एक बात और, आज आपके सामने एक बुजुर्ग कलाकार है हमारे प्रकाश चंद निचोली, पंडित राम रतन के शिष्य, वो भी आए हुए हैं। एक दो फरमाइश में एक दो गाना उनका भी होगा। तो लीजिए इस फाइनल राउंड में सबसे पहले पंडित रामोतार साहिबाबाद। आदरणीय मैनेजमेंट कमेटी, माता बहनों और बाहर से आए हुए सभी नौजवान और बुजुर्ग साथियों, देखे गाते गाते तीसरी रात हो गई, गले बिल्कुल थक गए हैं। इसलिए आज जो है भाई, दो दिन से जो है बहुत ही चटपटे गाने हो रहे हैं आज बुजुर्गों की सेवा में। अरे बोल रहे हैं यार, रुक जाओ। तो एक भजन पेश है, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नाही माती, बनता नाही माती। मेरे माता पिता हो जन्म देनिया, ना कर्मों के साथी। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता पहली कली में एक एक लाइन सुनने लायक, फिक्र बताया भला, क्या बात भाई। पशु और चतुर आदमी कद मोटा ना रहने का, जड़ा पतिवरता का धर्म बनिया रहे, उड़ा टोटा ना रहने का। जो मालक ने बढ़ा दिया कद भाई छोटा ना, बनता ना।
धक्का में लेने ने कष्ट कमाई हो से लकड़ियों के तले बोझ के सरडा सर राख्या था रांझा के किस्से में से।
दोस्तों सुन के भाई सुन के, ओ बेवफा, ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, गुस्सा तू जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना, जोड़ा जा रहा है हीरे का और वो रांझा, तड़पता हुआ रांझा क्या कह रहा है हीरे को, वाला कैसे, अरे हीरे जाने वाली, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा,
और एक बार मेरे दौरे हो गए, एक बार मेरे दौरे हो गए, जाइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा, मेरे जाने वाली हो रे। आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि आज आपके बीच में हरियाणवी संगीत में हलचल पैदा करने वाले, देखिए दोस्तों आज तक हरियाणवी कंपटीशन में पंडित रघुनाथ का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, उन्हीं के परम शिष्य मास्टर राम कुमार जी महनवा वाले आप सभी दोस्तों की सेवा में श्रवण कुमार की वो बात सुनाएंगे जो आपसे आज से पहले स्टेज पर बार बार उनसे सुनते आए हैं। तो आइए मास्टर राम कुमार जी आपके बीच में। तो भाई मेहरबान हो जिस तरीके से साहूकार अपने देनदार को देखकर, किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर और माँ अपने लाडले बेटे को देखकर खुश होती है, ठीक उसी प्रकार राजकुमार दशरथ अपनी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर लट्टू हो जाया करते थे। भादों का महीना, शिकार खेलने की आकांक्षा उनके दिलो दिमाग पर उभरी। शाम का वक्त पहुंच जाते हैं सरयू नदी के किनारे और चिनार के वृक्ष की ओट में इस आशा से खड़े हो जाते हैं कि कोई जंगली जानवर जैसे ही पानी पीने आएगा तो मैं शब्द वेदी बाण छोड़कर उसका शिकार करूंगा। लेकिन संयोगवश श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए आता है उस सरयू नदी पर और घड़े को जैसे ही नदी में डुबाता है, आवाज से क्या भ्रम पैदा होता है राजकुमार दशरथ के दिल और दिमाग पर और किस प्रकार जहर से बुझा हुआ तीर अपने धनुष पर तान कर कैसे छोड़ देते हैं उस आवाज पर, बाकी सब हवाला इस बात के द्वारा आते हैं। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, धूप ने न्यू अंदाज लगाया के जंगली हिरण आया है,
मैं कर लक्ष्य तीर जय हरी अजमाया है तीर जय हरी अजमाया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया भूप ने न्यू अंदाज लगाया के जंगली हिरण आया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय हरी अजमाया है तीर जय हरी अजमाया है। अंधों का सहारा तीर सी ने मैं लगा करारा दर्द से श्रवण चिल्लाया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय हरी अजमाया है तीर जय हरी अजमाया हुआ अपने अंधे माँ बाप का तड़प जाता है किस प्रकार से बाप का ख्याल हुआ दर्द से हाल हाल हुआ अंधे माँ बाप का ख्याल हुआ। विकराल काल जा पकड़ा जैसे गाय से बिछड़ कर बछड़ा व्याकुल हो रंभाया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय हरी अजमाया हुआ वो श्रवण कुमार उस अनजान शिकारी से शिकवा कर रहा है कैसे भला क्या कहने लगा। मार दिया रे क्यों मैं निर्दोषी आगोशी में
में काल हुआ था न्यूमन में मेल मलाल हुआ था फिर ऐसे फरमाया है दशरथ ने कर लाक्ष तीर रियज माया है तीर जय रियज माया सवाल और जवाब रामोतार साहिबाबाद और सतपाल दोसा और रोल अदा कर रहे हैं देवर भाभी का जी हाँ किस्सा होगा नौटंकी हाँ तो किस तरीके से नौटंकी के किस्से में से ये मालती और फूल सिंह के सवाल और जवाब जी हाँ
अरे तने जाना है तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा, तने जाना से तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा। अरे घर की मालिक बन बैठी कतील कड़ जा डर तेरा, जाना है तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा, तने जाना है तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा। एक कली भाभी की और एक देवर की क्यों कहानी बनी वाला, क्या बात भाई। तने पड़े पड़े नैरा में लाग रहा, हम दिन रात कमाए जा, रोज रोज का रास्ता देवर कदलक तने मनाए जा, देवर भाभी आपस के माँ अरे हंसे और हंसाए जा, तने बेटे जैसा मैं समझो थी तेरे हंस के लाड़े लड़ाए जा, बेटे जैसा समझो थी तेरे हंस के लाड़े लड़ाए जा। करी समय बेफादी तेरे जैसी बसे बसाए, घर की कर दे बर्बादी, देवर गैला पैर बांध पैरण जागी से औलादी, देवर तेरी कमाई खासों क्यों तेरी मानो रे कान जले, खुद ब्याहे के डाला मेरे तो सर पे चढ़ रहा आने जले, बालक सा मैंने गोद खिलाया तेरी बदली को नबाण जले, तेरे हुक्म ने वा मानेगी एक सैनो टंकी टाण जले, तेरे हुक्म ने वा मानेगी जैनो टंकी ने ब्याह के ला दे, नो टंकी ने ब्याह के ला दे, तोले पाट जानर तेरा, जाना हो तो वार करे मत, रहना हो तो घर ते, तन जाना
अपनी भाभी के बोला न सुन के एकदम से गुस्सा हो गया। फिर की कहने लग गया भला हृदय हाल पड़ा आवा के ढोल सुन सुन के ब्याह शादी का खाल पड़ा। भाई भावज मौज उड़ाओ हमारे घर बतेरा माल पड़ा। जगन्नाथ अड़े रे नहीं मुल तान शहर ने चाल पड़ा। शादी के कुछ दिन बाकी हैं। शादी के उमा में फूल रहे हैं सभी पांडव और उधर क्रोध में काफूर वो दुर्गे का रूप द्रौपदी मेहरबानों वो सभा में उतरते हुए चीर के उस दृश्य को कैसे भुला सकते। सभी बातें उसके दिल और दिमाग पर घूम रही हैं और क्रोध में वो द्रौपदी उन पांडवों को क्या कह रही है इस बात को करके सबर बैठगी मैं मेरे रे बिखरे सके चढ़ लो वा घोड़ी हो जा रे चढ़ लो वा
बात में द्रौपदी अर्जुन से कहती है, अरे अर्जुन ये बात अच्छी नहीं है, तो किस तरह से कहने लगी? और यसे मान हलंगे रे जब गांडी वे गुंजारे जब गांडी वे गुंजारे की अबे रथ तू बना ही जिड़ा सभी परण ने आरे गबे टेकी बहु की है दुर्शासन गलियों में आवे उतारेगा जांग फटे सारे गजे जांग फटे सारे गजे ये दुखड़े पड़े हमें से रहे कर के सबर बेटी मैं मेरे रे बिखरे सके के रहे हां बिखरे सके के रहे जमने करके जाम यू ले रहे नाना जे शर्म के ले से रहे तेरा कुन्यारे कित बैठे कित सोवे की हाँ कित बैठे कित सोवे की हाँ मैं धक्के खाते हांडो घर घर है की चाकी जोवे की तमे मट्टी करो हो पिराने बहुत थारे रे जिलवा से ने रोवे नहीं।
मैं मेहरबानों अब आपके सामने एक दो चश्मी राग ने लेकर आ गए हैं, पंडित रामावतार साहिबाबाद और सतपाल दोसा। और किस्सा होगा अजीत सिंह राजवाला। बात उस समय की, चुप बैठ जा रे, कौन है ये साउथ को भी चुप बैठ जा। बात उस समय की कि राजा जगत सिंह के यहां नौकरी कर रहे हैं दोनों, अजीत सिंह और राजवाला। रात का समय है, सावन का महीना, पुरवाई हवा चल रही और छोटी छोटी बूंदियां पड़ रही है। अपने यौवन के कगार में मस्त वो राजवाला अजीत सिंह से कह रही है, हे प्राणनाथ, सावन की इस पुरवाई में छोटी छोटी बूंदियां पड़ रही हैं छम छम, ऐसे में तुम मुझसे दूर न जाओ बालम, ये प्यार का है मौसम, मेरे दिल ने छेड़ी है प्यार की सरगम, चला आ दम दमादम, चला आ दम दमादम। और जवाब धर्म के कगार में रंगा हुआ वो अजीत सिंह क्या जवाब देता है दोनों के सवाल और जवाब किस प्रकार का। बोली मस्त महीना बरसा की ऋतु मन पापी परेशान करे और चुप की होके सो जा रानी तेरा भला भगवान करे। अरे मस्त महीना पापी परेशान करे और चुपकी होके सो जा रानी तेरा भला भगवान करे। जगत में कौन डड्डा और जल्दी
की आस जरूरी है यो वार।
वासना विसा पान करे निर्मल चित में ज्ञान की गंगा सुखी हो स्नान करे। अरे मस्त महीना मेहरबानो, अभी जी खा खा के बहुत से कलाकार अभी भी बैठे हैं और उनकी बाजू में फड़क रही हैं, लेकिन इसीलिए इस टूर्नामेंट का फाइनल हम आज नहीं कर सके, मजबूरी है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं नोएडा में सेक्टर 11 में, ये करवा रहे हैं चंदा कैसेट के निर्माता। जी हाँ, इस कंपटीशन की रागनियां अगर आप सुनना चाहेंगे तो चंदा कैसेट के सौजन्य से ही सुन सकते हैं। देखिए, आज से ठीक एक हफ्ते बाद हापुड़ कंपटीशन होने जा रहा है और ये कंपटीशन भी चंदा कैसेट के निर्माता ही करा रहे हैं। सभी गायक कलाकारों से हमारा निवेदन है कि आप हापुड़ में जब भी ये रागनियों का टूर्नामेंट हो जरूर आएं। जी हाँ,